Vai, vai, vai. सलमान खान को मॉब किया उनके फैंस ने, रेस्टोरेंट से निकल रहे सलमान को घेर लिया उनके चाहने वालों ने, who were eager to get a glimpse of their भाईजान। सलमान खान stepped out of his Bandra residence to have lunch at a restaurant in जुहू। जैसे ही खबर फैली कि सलमान अंदर हैं, उनके फैंस का बाहर मेला लग गया as they waited to catch a glimpse of their बजरंगी भाईजान। भीड़ काफी थी और सलमान के बॉडीगार्ड्स को उन्हें संभालते हुए गाड़ी तक एस्कॉर्ट करना पड़ा। सलमान looked dapper in a simple black shirt and denims as he walked towards his car. And we are sure he was pleased to hear so many chants of Bhai Bhai on spotting him. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. सलमान गाड़ी में बैठ गए, लेकिन उनके फैंस ने गाड़ी को घेर लिया और उनकी एक झलक देखने की कोशिश करते रहे। सलमान's driver had a tough time slowly easing the car out as fans surrounded the vehicle shouting Salman's name. While Salman is busy with multiple projects of his own, वो अपने family members के careers भी बनाने में लगे हुए हैं। After supporting his brother-in-law Ayush Sharma, Salman अब अपनी niece Alize Agnihotri को launch करने की तैयारी में है। Reports के मुताबिक, Salman ने Alize के लिए debut film decide कर ली है। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल के मुताबिक सलमान अपनी नीस को थाई फिल्म बैड जीनियस के हिंदी रीमेक में लॉन्च करने वाले हैं। बैड जीनियस टोल्ड द स्टोरी ऑफ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट जो एग्जाम्स में चीट करने की तरकीब ढूंढती है बाय फाइंडिंग लूप होल्स इन द कॉलेज एडमिशन प्रोसेस। Reportedly, Alize's big debut will be in 2023 और फिलहाल pre-production और casting जोरों शोरों से चल रहा है।